खबर इस जालपुर से, जहां सावन माह के पहले सोमवार को देश भर के शिवालयों में भक्तों का तांता देखने को मिला है। जी हां, शाजापुर जिले के शुजालपुर में स्थित प्राचीन जटाशंकर महादेव मंदिर में सुबह से शिव भक्त पहुंचे हैं, जहां भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर विशेष पूजा अर्चना की गई है। इस बार अधिक मास होने के चलते 10 सोमवार पर्यटक स्थल जटाशंकर महादेव मंदिर पर इसी तरह का सिलसिला देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि प्रत्येक दिन आज से यहाँ पर कांवड़ यात्री भी बड़ी संख्या में पहुंचेंगे, जो भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। धार्मिक माह सावन भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना है। जो भी श्रद्धालु सावन माह में शिव उपासना करता है, उन्हें सभी कष्टों से मुक्ति मिलने के साथ खुशियों से दामन भर जाता है। स्टार्ट होना है, किस तरह से पर्यटक स्थल जटाशंकर महादेव मंदिर पर तैयारियां की जाना है और चैनल के माध्यम से लोगों से किस तरह की अपील है और कितना भव्य इस बार सावन रहना है। इस वर्ष में 2 श्रावण मास माने जा रहे हैं, एक अधिक मास के रूप में भी श्रावण मास आया है, जिसकी अधिक अधिक महिमा है, क्योंकि अधिक मास नारायण का होता है और श्रावण मास शिव का होता है, और शिव और हरि और हर दोनों का मिलन इस श्रावण मास में माना जा रहा है। इसके कारण लोगों की अटूट श्रद्धा यहाँ पर जुड़ी हुई है। भगवान भोलेनाथ के साथ साथ लोग नारायण की आराधना करने भी आ रहे हैं, और इसी वर्ष जटाशंकर महादेव मंदिर परिसर में नवदुर्गा की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है, तो माता जी की श्रद्धा को लेकर के लोगों में अटूट विश्वास है एवं उत्साह भी है। तो साथ साथ माता के दर्शन हेतु एवं महादेव के दर्शन अभिषेक हेतु लोग बहुत मात्रा में यहाँ पर आते हैं, अत्यधिक श्रद्धा भाव लेकर के जल फूल बिलपत्र आदि लेकर के आते हैं, और प्रथम सोमवार मान रहे हैं इस सोमवार को, तो इसलिए लोगों के मन में बहुत श्रद्धा है। पर्यटन एवं शासन की ओर से सभी की व्यवस्थाएं की गई हैं, सभी आने हेतु जल की व्यवस्था, पूजन आदि की व्यवस्था एवं उनके आने में कोई कष्ट ना हो प्रसाद आदि की व्यवस्था, साथ साथ भोलेनाथ का महाश्रृंगार, महाभव्य आरती आदि दिव्य आयोजन समिति की ओर से रखे गए हैं। पंडित जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, कोई भी भक्त सावन के सोमवार को विशेष तौर से पूजा या पाठ कराना चाहता है, अपनी तरफ से कुछ करना चाहता है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था? यहाँ पर अगर किसी भी सज्जन को, किसी भी भक्त को अगर भगवान का रुद्राभिषेक करना है, तो पूर्व सूचना प्रदान कर या अभ्यर्चना के हेतु पूर्व सूचना प्रदान कर कोई भी समय यहाँ से लेकर के रुद्राभिषेक अथवा अन्य पूजन आदि कर सकते हैं। शहरवासियों से किस तरह की अपेक्षा है? सभी शहरवासियों से यही है कि जो जटाशंकर महादेव मंदिर से जुड़े हुए हैं, वो अपने सपरिवार जटाशंकर महादेव मंदिर पर पधार कर इन आयोजनों में भाग लेकर इन आयोजन को सफल बनाए एवं इस स्थान की गरिमा को और गौरवान्वित करें। सभी के प्रयासों से, आप सभी के सहयोग से पर्यटक स्थल अब एक भव्य स्थल बन चुका है। सरकार की भी काफ़ी मदद रही है, लेकिन अब सावन के जो पूरे अधिक मास भी है, किस तरह से व्यवस्थाएं किए जाना है, क्योंकि शुजालपुर में प्रति सोमवार प्रतिदिन कांवड़ यात्रियों का भी आवागमन रहता है, उन लोगों की किस तरह से व्यवस्था की जाना है? अधिक मास में जो 17 अगस्त से चालू होगा, उस दिन से कांवड़ यात्रा प्रारंभ होगी और 1 महीने के लिए अधिक मास में कांवड़ यात्रा चलेगी। कांवड़ यात्रा गांव-गांव से जो लोग आते हैं उनको आमंत्रित करते हैं, उनको यहाँ अभिषेक और जल अभिषेक करते हैं, जल अभिषेक के बाद उनकी भोजन प्रसादी होती है और वो अपने गांव से पूरी व्यवस्थित बैंड बाजों के साथ यहाँ आते हैं और सुखता से कार्यक्रम करते हैं। किस तरह से इन लोगों को निमंत्रण दिया जाता है, क्योंकि एक ऐतिहासिक कार्यक्रम शुजालपुर में कांवड़ यात्रा के रूप में देखने को मिलता है? उसके लिए हमारी समिति के उपाध्यक्ष है और कांवड़ यात्रा के प्रभारी श्री राजेंद्र जी अग्रवाल ठेकेदार हैं, और वो गांव-गांव जाके उनकी टीम के साथ उनको आमंत्रित करके आते हैं और चावल दे के आते हैं। और भी किस तरह से इन पूरे सावन को भव्यता प्रदान की जाना है समिति के माध्यम से? प्रत्येक 4 सोमवार को महाआरती होती है, महाआरती में प्रसादी का वितरण होता है, पूरे दिन अभिषेक जल अभिषेक ही चलता है। शहरवासियों से किस तरह की अपेक्षा समिति द्वारा? शहरवासियों से अधिक से अधिक आए, दर्शन करें और मंदिर में दान और सहयोग करें। सोमवार स्टार्ट होना है।